Hello everyone, in this video we will study about concatenation of macro parameters. Okay, ठीक है, तो let's see, पहले तो हम पढ़ेंगे मशीन इंडिपेंडेंट फीचर्स. ठीक है, ये सारे ना मशीन इंडिपेंडेंट फीचर्स में आते हैं. कंकेटिनेशन ऑफ मैक्रो पैरामीटर्स, जनरेशन ऑफ यूनिक लेबल्स, नाउ कंडीशनल मैक्रो एक्सपेंशन एंड कीवर्ड मैक्रो पैरामीटर्स. ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? मशीन इंडिपेंडेंट फीचर में. और जो पहला मशीन इंडिपेंडेंट फीचर हम पढ़ेंगे, दैट इज कंकेटिनेशन ऑफ मैक्रो पैरामीटर. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. अब सी, मोस्ट मैक्रो प्रोसेसेस अलाउ पैरामीटर टू बी कंकेटिनेटेड विद अदर करेक्टर स्ट्रिंग. अब सी, कंकेटिनेटेड का मतलब क्या होता है? कि इंटरकनेक्शन मेंटेन करना. ठीक है, एक सीरीज ऑफ चीजों के साथ एक इंटरकनेक्शन मेंटेन करना, दैट इज कंकेटिनेशन. ठीक है, सो अब इन्होंने क्या कहा है कि ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो पैरामीटर्स को अलाउ करते हैं कि वो कंकेटिनेट हो सके स्ट्रिंग के साथ. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, सपोज द पैरामीटर इज नेम्ड, एंड कैसे हमने उसको नेम किया हुआ है, जैसे एम्परसेंट आईडी नेम किया हुआ है. ठीक है, और उसको जो मैक्रो बॉडी है उसको हमने कैसे लिखा हुआ है कि एल डी ए एक्स एम्परसेंट आई डी वन. ठीक है, मतलब अब जो है आईडी आपका किसके बीच में कंकेटिनेटेड है? आफ्टर द स्ट्रिंग एक्स एंड बिफोर द स्ट्रिंग वन, इसके बीच में कंकेटिनेटेड है. अब सी, अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा कि जो भी चीज आपने ये लिखी थी ना, सपोज आईडी का नाम है ए, दूसरी आईडी का नाम है बी, तो यहां पे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा. मतलब ये जो पैरामीटर है वेरी करेगा, वेरिएबल पैरामीटर, उसको जैसे आप डिफाइन करोगे, जैसे नेम दोगे, वैसे ये आगे आगे करता जाएगा. ठीक है, अब सी, आपने एक एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ना सोर्स कोड दिया हुआ है, और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्सपैंडेड कोड. राइट, ये एक्सपैंडेड कोड हमें दिया हुआ है. अब सी, सबसे पहले तो हमने मैक्रो लिखना होता था, तो हमने लिख दिया, डिफाइन करना होता था ना उस चीज को. अब उसके बाद उसको नेम दिया सम, और पैरामीटर क्या पास किया? एम्परसेंट आईडी. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया उस चीज को, देखो एड ए आर ई जी. ठीक है, और हमने सेम वही चीज लिख दी, एक्स एम्परसेंट आई डी वन, फिर जो रिपीट करना था एक्स एम्परसेंट आई डी टू, ये रजिस्टर थ्री में है, देन एक्स एम्परसेंट आई डी थ्री. ठीक है, अब ये जो चीजें जहां पे जाके स्टोर होंगी, ओके, देन अमेंड कर देना, एंड कर देना इस चीज को. अब सी, अब यहां पर सपोज हमने फिर से रिपीट करना है सम, अब इस पैरामीटर को चेंज कर दिया ए में. राइट, सम इस पैरामीटर को चेंज कर दिया पी आई वन में. ठीक है, अब देखो पी आई में, सॉरी पी आई में. सो अब देखो, अब ये कैसे एक्सपैंड होके लिखेगा? सी, पहले आपने ए लिखा, तो यहां पे ये सारी जगह पे क्या लिखेगा? पैरामीटर वेरिएबल था, यहां पे ए लिख देगा, एड ए आर ई जी एक्स ए वन ए टू ए थ्री. पी वन लिखा था, ये क्या लिख देगा? पी वन पी टू पी थ्री. ऐसे एक्सपैंडेड कोड में आएगा. इज दैट ओके? ये क्लियर है? अब सी, हर चीज में ना कोई प्रॉब्लम होती है. सो ऐसे कंकेटिनेशन में भी एक प्रॉब्लम आई. सी, अब ये प्रॉब्लम क्या थी? द बिगिनिंग ऑफ मैक्रो पैरामीटर इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग सिंबल एम्परसेंट. एम्परसेंट से डिफाइन होता है, बस उसका एंड कैसे है वो कुछ मार्ग नहीं था. अब ये चीज क्या है, कैसे है, मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये स्टेटमेंट थी एक्स एम्परसेंट आई डी वन, राइट, तो अब हमें ये नहीं पता चलता कि ये रेफरेंस नंबर है वन या फिर क्या है पैरामीटर. सपोज ये इस चीज को ऐसे लिखता है, जैसे आप एक्सपैंडेड कोड में आ जाते हैं, आपने इसको ए लिया, ये आपने पैरामीटर पास किया एम्परसेंट आई डी वन, अब ये लिख देगा एम्परसेंट ए वन वन. वन क्या हो गया? रेफरेंस नंबर. मतलब ऐसे एक्सपैंडेड कोड में ए वन वन वन. अब मुझे इन दोनों में से पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैरामीटर था और कौन सा रेफरेंस नंबर था. अभी तो मैं बताने को बता दूं, बट कैसे बाद में कैसे होगा ये नहीं पता चलेगा. अच्छा, सपोज मैंने यहाँ पे फाइव ही लिया होता, ठीक है, फाइव लिया होता, और अगर मैंने पास किया फाइव लिया होता, बाद में आ जाता एक्स ए वन फाइव, सॉरी एक्स ए फाइव वन, एक्स ए फाइव टू, एक्स ए फाइव थ्री, एक्स ए फाइव फोर, एक्स ए फाइव फाइव. पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब जब फाइव फाइव आया तो अब
मैं कैसे पहचानूं कि रेफरेंस नंबर कौन सा है और पैरामीटर कौन सा पास किया हुआ है मैंने? ये होती है एम्बिगस सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि कौन सा रेफरेंस नंबर है और कौन सा पैरामीटर है, इज दैट ओके? तो ये चीज है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है कि हमें नहीं पता चलता कि अगर हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, ठीक है, कौन सा रेफरेंस नंबर है और कौन सा पैरामीटर है। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या निकला कि हमने एक स्पेशल कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया कि स्पेसिफाई करने के लिए एंड ऑफ द पैरामीटर को, ठीक है, कि ये एंड है भाई पैरामीटर का, वो मतलब वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर ये था। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप दिस इज ओके। अब सी ये एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैंने ये लेबल्स लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, वन। अब ये जो साइन है ना कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये बता रहा है भाई पैरामीटर यही था बस, इसके आगे रेफरेंस नंबर है, ठीक है। अब मैंने यही लिख दिया, अब मैंने ये ए डाल दिया पैरामीटर की जगह, तो ए 1 2 3 4 s, ठीक है, ये ऐसे डिफाइन करता जाएगा। ये सारी चीजें थी कंकैटिनेशन में, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ यूनिक लेबल्स। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।